गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो बिफोर टू स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज प्राइम नंबर्स. द नंबर्स अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इट्सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इट्सेल्फ आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज़ वन एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ द नंबर इट्सेल्फ. इट मीन्स वही नंबर जिसका हम प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हैं. सच नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 एट्सेट्रा. ओके, सो दीज आर प्राइम नंबर्स. हाउ, लेट्स सी, 2 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. वन इज, फर्स्ट फैक्टर इज़ वन एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ 2 इट्सेल्फ. समझ आ गया? फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 2 का? 2 जो है या तो 1 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में. और किसी टेबल में आता है 2? नहीं आता ना. तो इट मीन्स 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2 फैक्टर्स. एक तो 1 होगा एंड सेकेंड इज़ 2 इट्सेल्फ. सेम एज 3, 3 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. एक तो 1 की टेबल में आएगा और एक 3 की टेबल में आता है 3, और किसी की टेबल में नहीं आता. तो इट मीन्स 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सेम एज 5, 7 and 11. नाउ कंपोजिट नंबर्स. नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. वो नंबर्स जिनके क्या होंगे? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे आर कंपोजिट नंबर्स. वो नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, दीज आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दीज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. सी हेयर 4 इज़ गिवन, सो 4 हैज़ 3 फैक्टर्स. 1 इज़ 1 फैक्टर, 2 फैक्टर एंड 4 फैक्टर. कितने फैक्टर्स हो गए 4 के? 3 फैक्टर्स. लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 4. 4 के जो है कौन कौन से फैक्टर होंगे? 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में आता है एंड 4 की में. इट मीन्स इट हैज़ 3 फैक्टर्स. 4 के कितने होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे. सो 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. अगर 2 फैक्टर्स होंगे जिस नंबर के, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, और मोर देन 2 होंगे तो कंपोजिट नंबर होगा. अंडरस्टूड? नाउ 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. ओके, नाउ इवन नंबर्स, यू नो व्हाट आर इवन नंबर्स? द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 सच एज 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और 2 के डिवाइजर भी कह सकते हैं. सो दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स. नाउ लेट्स सी ओड नंबर्स. ओड नंबर्स, रेस्ट ऑफ द नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन आर ओड नंबर्स. दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 आर ओड नंबर्स. वो नंबर्स क्या होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते या 2 के मल्टीपल्स नहीं होते? वो ओड नंबर होते हैं. सो दीज आर ओड नंबर्स. नाउ को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? वो नंबर्स जिनके क्या कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1 होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 and 3. 2 and 3 टू नंबर्स हैं. इनका अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो दोनों के फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 2. फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 and 2 एंड सेम एज फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 and 3. सो हेयर 1 इज
कॉमन, सो इट मीन्स टू एंड थ्री आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। वन को छोड़ के यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इट मीन्स टू एंड थ्री आर को प्राइम नंबर्स। सेम एज थ्री एंड फोर, थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे, वन एंड थ्री, एंड फोर के फैक्टर्स वन टू एंड फोर। सो हेयर वन इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर, सो इट मीन्स थ्री एंड फोर आर को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स वी कैन से दैट द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज्ड। तो उसको क्या कहेंगे, फैक्टर्स जब हम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर के, तो इट मीन्स वो फैक्टराइज कर रहे हैं। देन व्हेन वी राइट 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, 24 हमें एक नंबर गिवन है, उसको कैसे हम फैक्टर्स कर सकते हैं 3 इंटू 8, वी से दैट 24 हैज़ बीन फैक्टराइज, इट मीन्स 24 क्या होगा, फैक्टराइज हो गया। दिस इज वन ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 24। सो दीज आर थ्री डिफरेंट वेज टू फैक्टराइज 24। फर्स्ट 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 24 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12। नाउ 2 इंटू 6, 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 6 में। देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब यहाँ पे हमने 2 को एज इट इज़ लिखा, 2 राइट डाउन एज इट इज़ एंड ब्रेक डाउन 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 को किस में ब्रेक किया हमने 2 इंटू 3 में। सो इट मीन्स 24 इज़ फैक्टराइज्ड इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे फैक्टराइज कर लिया हमने इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में 24 को फैक्टराइज कर लिया। अदर वे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 24 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। सो 4 मीन्स 2 इंटू 2 एंड राइट 6 एज इट इज़। सो अगेन राइट 2 एज इट इज़ एंड ब्रेक डाउन 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 को किस में ब्रेक किया हमने 2 इंटू 3 में। सो इट मीन्स 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट वे 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, 24 को कैसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 8 की फॉर्म में। सो राइट डाउन 3 एज इट इज़ एंड ब्रेक डाउन 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इट मीन्स 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन ऑल द अबव फैक्टराइजेशन ऑफ 24 वी अल्टीमेटली अराइव एट अ ओनली वन फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने जो है 24 को फैक्टराइज किया थ्री डिफरेंट वेज में, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या है, सेम। ओके, दिस इज आर रिजल्ट इन थ्री कंडीशंस। इन दिस फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। इन सभी फैक्टराइजेशन में आपको क्या दिख रहा है, ओनली टू फैक्टर्स 2 एंड 3। एक नंबर तो 2 दिख रहा है आपको एंड सेकंड नंबर इज 3, सो इट मीन्स 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स ही दिख रहे हैं। ओके, इस फैक्टराइजेशन में हमने सिर्फ क्या देखा, प्राइम नंबर्स को ही देखा है। कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, ओनली 2 एंड 3। अंडरस्टूड? सो व्हेन वी फैक्टराइज एनी नंबर इन दिस फॉर्म, सो दिस फॉर्म इज फैक्टर ट्री मेथड। कौन सी फॉर्म होगी ये, किस फॉर्म में हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टर ट्री फॉर्म मेथड में। ओके, सी वन एग्जांपल मोर, 90 ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स 10 एंड 9, अगेन 10 ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स 2 एंड 5, इन थर्ड स्टेप
break down 9 into 3 into 3. So this is factor tree method. Okay, factor tree method bolenge isko. So students, this is our exercise 3.5. So these are some questions. First question, which of the following statements are true? ये क्वेश्चंस है जिसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. सो दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर. सो दिस क्वेश्चंस यू विल सॉल्व योरसेल्फ. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चंस. इन दिस क्वेश्चन हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60. राइट द मिसिंग नंबर्स. आपको जो है टू वेज गिवन है किसको 60 को ब्रेक करने के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए आपको मिसिंग नंबर्स, यू हैव टू राइट द मिसिंग नंबर्स. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो हियर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 60 ब्रेक इनटू टू पार्ट्स 6 into 10. नाउ फैक्टराइज 6 into 2 into 3 and here 10 into 5 into 2. 10 को किस में ब्रेक किया, 5 and 2 में. 10 के फैक्टर्स जो हैं ये कौन कौन से होंगे, 2 and 5 and 6 के फैक्टर्स 2 and 3. So these are the missing numbers. Okay, these are missing numbers. In second part, 60 break into 2 parts 30 and 2, then 30 factorize 30 into 10 and 3, again 10 factorize into 5 and 2. So these are the missing numbers. Okay, now see third question, which factors are not included in the prime factorization of a composite numbers. कौन से factors जो हैं वो include नहीं किए जाएंगे prime factorization of a composite number. 1 and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number. 1 and the number itself, या तो 1 या number जिसका भी हम prime factorization कर रहे हैं वो number, दोनों ही जो है किस में include नहीं किए जाएंगे, prime factorization of a composite number. Now fourth question, write the greatest 4 digit number and express it in terms of its prime factors. So we know that the greatest 4 digit number is 9999. Okay, this is 4 digit greatest number. So first we factorize 9 into 1111. Okay, 1111 mein usko break kiya, then 9 factorize in 3 and 3 and 1111. It means 1111 is factorized in 11 and 101. अब इसके बाद जो है ये और factorize हो सकते हैं, नहीं हो सकते, because 3, 11 and 101 are prime numbers. तो last में हमारे पास कौन से numbers आ जाएंगे, prime numbers. So it means this is our prime factorization. Okay, in fifth question we have to write the smallest 5 digit number which is equal to 10,000 and we have to prime factorize it. Okay, prime factorize bhi isko karna hai. So first write 10,000, first break into 4 into 2500. 10,000 ko kis mein break kiya, sabse pehle humne 4 mein and 2500 mein, then factorize 4 into 2 into 2 and 2500 into 25 into 100. 2500 को कैसे break कर सकते हैं हम, 25 into 100 में. Now 25 जो है वो factorize कैसे हो सकता है, 5 into 5 and 100 factorize in 20 and 5, 20 और 5 में इसको factorize किया जाएगा. Then 20 will be factorize in 4 and 5. 4, 5 is a 20, so 20 will be factorized in 4 and 5. Again, 4 will be factorized in 2 into 2.
सो 2 2 5 5 2 2, ओके. सो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5-digit number. therefore 10,000 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5. So this is prime factorization of 10,000. Let's see sixth question. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. Okay, first we have to factorize 1729. So first we divide this number by 7, we get 247. Then divide this number by 13, we get 19, and then 19. So 7, 13, 19, all are prime numbers. So 1729 is equal to 7 into 13 into 19. This is prime factorization of this number, okay. So now we have to tell what is the relationship between these three numbers. So we can see 13 minus 7 is equal to 6. And 19 minus 13 is also equal to 6. So here in both cases we are getting 6. Therefore the difference between two consecutive prime factors is 6. दोनों में क्या relation है कि दोनों ही prime factors को जब हम subtract कर रहे हैं, we are getting same result which is equal to 6. Understood? The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. So let's see solution. 2 into 3 into 4 is equal to 24. Three numbers को जब multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24. This number 24 is divisible by 6. Okay. 24 जो है वो किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है. लेट सी अनदर एग्जाम्पल. 5 into 6 into 7 विच इज इक्वल टू 210. सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. ये भी किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा. सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन. 8th, 11th and 12th question you will try yourself. Now let's see 9th question. Here in 9th question we have given, in which of the following expressions prime factorizations has been done. कौन से expressions में prime factorization जो है किया गया है. So first example is 24 is equal to 2 into 3 into 4. First question क्या है, 24 is equal to 2 into 3 into 4. Here 4 is composite. 4 क्या है, composite number है. So prime factorization has not been done. Prime factorization जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया, okay. Composite number. Composite numbers means 4 can be break or factorize into 2 into 2. 4 को break कर सकते हैं ना हम 2 into 2 में. So it means it not a prime number, it a composite number. 4 is a composite number. So this factorization is not prime factorization. Okay. Now next, 56 is equal to 2 into 2 into 7. So here all factors means 2 and 7 are only two factors here. All these factors are prime. ये क्या है, सभी factors क्या है, prime numbers हैं. Hence prime factorization has been done. So यहाँ पे क्या हुआ है, prime factorization हुई है. और यहाँ पे composite number था, it means here prime factorization has not been done.
Now, see 10th question. Determine if 25110 is divisible by 45. Here we have given hint 5 and 9 are co-prime numbers. Test the divisibility of the numbers by 5 and 9. So here we have to check the first divisibility by 5 and then by 9. Here 45 is equal to 5 into 9. 45 को किस में break किया गया है? 5 into 9. So 1 and 5 are factors of 5. 5 के कितने factors है? 1 and 5. And 1, 3, 9 are factors of 9. 9 के कितने factors है? 3 factors. 9 जो है या तो 1 की table में आता है या 3 की या फिर 9 itself. Same as 5 जो है या तो 1 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में. सो हेयर 2 फैक्टर्स ऑफ 5 एंड हेयर 3 फैक्टर्स ऑफ 9. हैंस 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स. सो यहाँ पे हमारे पास को प्राइम नंबर्स कैसे हैं? क्योंकि दोनों में ही ओनली 1 इज कॉमन. ओनली 1 इज कॉमन, इट मीन्स 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स. नाउ वी विल चेक द divisibility by 5. The last digit of 25110 is 0, hence it is divisible by 5. In last class we have studied this topic, divisibility by 5. So condition, what was the condition? Condition was if at the ones place 0 or 5, if there is 0 or 5 at the ones place, then the number will be divisible by 5. So here 0 is at the ones place, it means this number is divisible by 5. Now let's check the divisibility by 9. First we find the sum of the digits 25110 is equal to 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0 is equal to 9. Kya hai inka sum? Digits ka 9. So the sum of the digits of 25110 is divisible by 9. Agar sum jo hai wo 9 se divisible hai, it means this number is also divisible by 9. Since the number is divisible by both 5 and 9, therefore this number is divisible by 45. Understood? Agar ye number 5 and 9 dono se hi divisible hai, it means this number is also divisible by 45. So students, this is our exercise. 3.5 is completed. Okay, remaining questions you will do in homework. Thank you.